नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलोकां दधतं मृतघटम् चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गम् कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करेंगे और आज हमने आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। जो विषय पे बात नहीं हुई है वो बात करेंगे हम लोग। ये जो क्लिनिकल समाचार है ना, ये जरूर कुछ ना कुछ सभी लोगों को, जो लोग सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो सभी को फायदा ही करती है, जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है उससे सभी को फायदा ही होता है। अभी इसके पहले जो है लेक्चर हुआ और बोन ट्यूमर पे, उस ऐसे टॉपिक पे तो कभी बात ही नहीं किया गया है कि कोई डॉक्टर बात करता है क्या, आयुर्वेद के बड़े से बड़े डॉक्टर बात करते हैं क्या, लेकिन आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे बात होता है और डिस्कस होता है और एक सभी को एक प्रेरणा मिलती है कि हम इस तरह से चिकित्सा करेंगे तो ऐसा फायदा होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी मैं आप लोग से कुछ बात करूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है आयुर्वेद में या सभी जगह कि समस्त प्राणियों में मानव जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शारीरिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का मनुष्य के लिए ही शास्त्र रचे गए हैं। ईश्वरीय प्रेरणा और साधना से गहन अध्ययन किया गया है और मनुष्य के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर वो करते हैं और शास्त्रों के हिसाब से पालन करते हैं तो सुखी रहते हैं, और सुखी रहने का मतलब यह है कि आरोग्य से सुखी रहना। सुखी रहने के उपाय देखा जाता है, अगर कोई व्याधि हो जाता है तो रोग मुक्ति के उपाय देखा जाता है। तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए जाते हैं उसका फल भोगने के लिए इस जन्म में कुछ व्याधियां होती हैं, और उसका मतलब वो दैवपाश्चर्य चिकित्सा के अंतर्गत आता है, उसको भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे स्मृति ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम नरकस्य परीक्षये बाधते व्याधि रूपेण तस्य जप्यादिभिः शमः। मतलब पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म किए जाते हैं और रोग जनित चिन्ह प्रकट होते हैं उसको अगर जप किया, पूजा वगैरह किया, प्रार्थना किया भगवान से, तो वह नष्ट हो जाता है। लेकिन जो भी बुरा काम किया जाता है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में। जैसे कि क्षय रोग बताए, एड्स या टीबी, सभी को नहीं होता है टीबी, सभी को एड्स नहीं होता है, ये किसको होता है? तो बताया गया है कि जो इंसान तेल चुराता है, घी चुराता है या स्निग्ध चीजें कुछ चुरा लेता है उसको ही क्षय रोग होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। त्वचा में जो भी चकत्ते होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं बड़े बड़े, जो लाइकन प्लेक्स प्लैनस वगैरह, बड़े बड़े फेमिगस पेम्परिस वल्गैरिस, ऐसे जो बड़े बड़े ऑटो इम्यून डिजीज है, जो स्किन की बीमारियां हैं, सोरियासिस, यह सब कैसे होता है कि गलत काम किया गया है प्रारब्ध में पहले और उसके वजह से इस जन्म में भोगना पड़ता है। किसी को मिर्गी होता है, आपस मार के झटके आते हैं। मैं कोई भी अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे
इतना पैसा दीजिए और अंधविश्वास करिए तो मैं उसको ठीक करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं बस शास्त्र बता रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखा गया है। तो अपस्मार का हेतु तो पता है कि मिथ्या आहार किया, मन बहुत कमजोर है इसलिए अपस्मार होता है, ठीक है। लेकिन पूर्व जन्म में क्या किया गया, तो गुरु को तकलीफ दिया गया, गुरु को मारा किसी ने, तो दूसरे जन्म में उसको मिर्गी का बीमारी रहता है और उसको ठीक करना है तो गाय का दान कर दिया तो ये जो कष्ट है वह कम हो जाता है या उसका पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। जो जन्म से अंधा होता है, तो जिसने गाय गाय का वध किया वो जन्म से अंधा होता है। आप लोग बोलेंगे मुस्लिम लोग तो गाय काट के खाते हैं, तो इस जन्म में खा रहे हैं ना, अगले जन्म में तो उनको ये फल भोगना पड़ेगा। कोई डराने वाली बात नहीं है, ये लिखा है। इस दुनिया में कुछ भी गलत काम किया उसका फल भोगना पड़ता है। इसी तरह से अगर किसी को पेट में या कंधे पे या ऊपर ऐसे बहुत मांस का गोला होता है, तो ऐसा बता रहे हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र को नाम पे गलत काम करते हैं, है ना, मतलब ज्योतिष के नाम पे लूटते हैं लोगों को, उनको ये मांस का गोला हो जाता है। जो लोग गंडमाला होती है, गोइटर होता है, तो वो लोग, हाँ, इस जन्म में उन्होंने ठीक है आयोडीन नहीं खाया और उनको ये सब हुआ, थायराइड का बीमारी हुआ, ठीक है ये है, लेकिन उनको ही क्यों हुआ ये चीजें, उनके घर वालों को क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब है कि वो लोग गलत रास्ते पे जाके कुछ पाप कर्म कर रहे हैं इसलिए उनको हुआ। इसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि हस्तीपाव, श्लीपद व्याधि किसको होता है, तो जिसने अपने गोत्र की ही स्त्री के साथ अगर मैथुन किया, जबरदस्ती रेप किया, उसको हाथीपाव नाम की बीमारी होती है। फिर कृमि किसको होता है, तो जो रजस्वला स्त्री के साथ बहुत ज्यादा ये करता है, रजस्वला स्त्री के साथ मैथुन करता है, उसको अगले जन्म में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, तो कृमि को नष्ट करने के लिए गोमूत्र और कृमिघ्न दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। श्वासकाश व्याधि जन्म जात होती है, बचपन से ही ब्रोंकियल अस्थमा होता है, तो उसी को क्यों हुआ? ठीक है माता पिता ने मिथ्या आहार किया, बच्चा दुर्बल है तो होता है, लेकिन उसी को उसी टाइम पे क्यों हुआ, वो माता पिता ने क्यों किया और वो बच्चे को क्यों भोगना पड़ रहा है? उसका कारण बताया है कि पीठ पीछे निंदा करने वाले, गॉसिप करने वालों को नरक भोगने के बाद श्वास रोग इस जन्म में होता है। इसी तरह से रक्तातिसार, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां होती है, वो क्यों हो रहा है? जो जंगल में आग लगा देता है, वहां पे वन्य प्राणी वगैरह को मार देता है, उन लोगों को रक्तातिसार अल्सरेटिव कोलाइटिस इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो उनको अगर कष्ट से दूर करना है तो वो लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, ये अगर काम करते हैं ना, तो इस पुण्य से, ये देवपाश्य चिकित्सा, ये करने से, और बाकी मेडिसिन तो करें लेकिन ये करने से उसके पाप खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से भगंदर और बवासीर किसको होता है, जो मंदिर में जाके या फिर पुण्य, जहां पानी है, पवित्र पानी है पीने योग्य पूजा पाठ के लिए, वहां पे मूत्र और विष्ठा का त्याग करता है या भगवान के मंदिर में जाके करता है, उसको भगंदर और बवासीर अगले जन्म में होता है। इस जन्म के उसके कर्म है, लेकिन उसी को क्यों हुए? ऐसा तो उसके घर में दूसरे लोग भी खाते हैं, उसी को क्यों भोगे? तो इसका मतलब यह है कि उसने पिछले जन्म में भगवान के जगह मंदिर वगैरह में जाके मल मूत्र का त्याग किया, गंदा किया। इसी तरह से जलोदर और प्लीहा रोग किसको होता है, तो जो ये करते हैं अपने ग्रंथों के हिसाब से बता रहे हैं, इस जन्म में उसने मिथ्या आहार विहार किया, ठीक है, ऐसा मिथ्या आहार विहार तो दूसरे लोग भी करते, उसी को क्या हुआ? तो जो पेट में जो बच्ची थी, मतलब मिस कैरेज किया उसने, अबॉर्शन कराया, उसको अगले जन्म में जलोदर या प्लीहा रोग होता है। और जो ये होता है पक्षाघात, ये क्यों होता है? तो अगर सभा में एक साइड लेके और किसी के साइड चला जाता है, दोनों साइड नहीं रहता है, उसको पक्षाघात की बीमारी होती है। इसी तरह से नेत्र रोग क्यों होते हैं, तो अगर कोई कोई धातु, कोई मेटल की चीजें चुरा लेता है, तो उसको ये आंखों की बीमारियां पूरी लाइफ रहती है, इलाज कराते रहेगा लेकिन वो आंखों की बीमारियां सॉल्व ही नहीं होती है। तो उसने मेटल की चीजें चुराई हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में अगर उसने मेटल की चीजें दान किया तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे देवपाश्य चिकित्सा है। इसी तरह से खुजली की बीमारी किसी किसी को रहती है, ऐसा स्किन का प्रॉब्लम रहता है कि कोई भी दवाई करो ठीक ही नहीं होता खुजली, तो उसने पिछले जन्म में तेल चुराया है।
तो इसमें तेल का दान करने के लिए बोला है, शनिवार को तेल का दान करें और उपवास करें शनिवार को, तो खुजली का बीमारी ठीक हो जाता है। देव पाशा चिकित्सा, आत्मा को इस जन्म में, अगले जन्म में या बाद के जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो कष्ट भोगना ही पड़ता है। आप लोग देखेंगे ना, आईसीयू में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतना अच्छा अच्छा इलाज कर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी आ गई है, तो भी लोग आईसीयू में क्यों तड़प तड़प के रहते हैं? उसका कारण ये है कि कुछ कर्म होते हैं जो बुरे कर्म होते हैं। इसी तरह से संग्रहणी का बीमारी रहता है, आईबीएस, उसका है कि बहुत सारा चीज चुराया हुआ है पिछले जन्म में, अन्न चुराया है, पानी चुराया है, कपड़े चुराए हैं, सोना चुराया है, तो ये सब चुराने की वजह से इस जन्म में आईबीएस का प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग रहता है। उसी तरह से कोई कुबड़ा होता है, तो वो कुबड़ा होना है कि पापी व्यक्ति अगम्यागमन, जिस स्त्री के साथ नहीं मैथुन करना चाहिए उसके साथ करे, तो उसको कुबड़ापन होता है। फिर प्रमेह रोग क्यों होता है, तो उसका मतलब है कि किसी तपस्विनी के साथ उसने मैथुन किया है इसलिए ऐसा होता है। फिर कोई गूंगा है, बचपन से गूंगा है, तो उसने किताब चुराया है, पढ़ाई का किताब चोरी किया है, तो उसको अगले, और वो भी इस ऐसे व्यक्ति का चुराया जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, और उसका किताब चोरी कर लिया, तो अगले जन्म में वो गूंगा होता है ना। तो इसमें अगर उसने पुस्तक का दान किया, किताबों का दान किया, तो उसके ये पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से उंगली में कुछ घाव हो गया, तो जिसने फल चुराए उसको अगले जन्म में पाप का फल भोगना पड़ता है, उंगली में घाव हो जाता है। इसी तरह से जीवा रोग होते हैं, तो किसी का पका हुआ अन्न को चोरी करके, तो उसके वजह से जीवा रोग अगले जन्म में भोगना पड़ता है। किसी को मूत्राघात होता है या किडनी फेलियर होता है, तो ऐसा बोला है कि पशु से संभोग किया, इसके वजह से होता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये सब इसलिए बताया गया है क्योंकि ऋषि मुनि लोगों ने ये सब पे रिसर्च किया है कि इस जन्म में चोरी किया। अभी आप लोग को ऐसा, ये सुब्रतो राय सहारा जी का आज डेथ हो गया, करोड़ों रुपए का उन्होंने ये किया, पैसा लिया और वो मर गए, लोग बद्दुआ दे रहे हैं कि हमारा सारा पैसा चला गया, भारत सरकार ने रिकवरी भी नहीं किया, और वो ऐशो आराम से जिंदगी बिता रहे थे, सुब्रतो राय सहारा, और उनका डेथ हो गया, तो वो चले गए क्या इस दुनिया से? नहीं, उनको इस जन्म में जो बद्दुआ लगे वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा उनको। उन्होंने क्यों गरीबों का ऐसे विश्वास लेके और फिर लूटा? इस पर आप लोगों का क्या कहना है? मैं एक मिनट अनम्यूट करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे जो मैंने बोला? आप प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। ये कर्म फिलॉसफी तो चलती है, जैसा कर्म करेंगे ना वो भोगना पड़ता है। कर्म कर्म जैसा आप जो पिछले जन्म का तो हमको मालूम नहीं, इसीलिए लोग बोलते हैं ये जो इस जन्म में सोची है हमको ऊपर वाले ने समझ दिया तो अच्छे कर्म किए जाए। जी, मतलब और ये हमारा ये देव पाशय का भाग है, हम इस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। हम लोग पूजा पाठ वगैरह कराते हैं वो ठीक है, हम हाँ तो युक्ति व्यपाश्रय करते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सारे आंसर नहीं मिलते कि कैंसर उसी को क्या हुआ, गले का जी कैंसर ये हो गया, गुट का तो वो खाता भी नहीं था तब भी गले का कैंसर क्यों हो गया, ये कैंसर क्यों, इसका आगे कारण। भी एक आगे एक दो बार शायद कई बार शेयर किया है। गुरुजी बहुत डीप थे ना, वो साधु ही थे। वो एक बार एक कोई लेडीज पेशेंट आए, उनके एक बच्चा था तो छोटा सा, तो दूसरा होने वाला था। तो गुरुजी बोलते लिखवा लो, ये दोनों बच्चों की आपस में बनेगी नहीं जड़ी। वो कहते भी जो पल पेट में है वो बोलता है माँ के दूध पर मेरा हक है, जो खुराक पे मेरा हक है, जो मतलब है जो साल का है वो बोलता है इसने पैदा होने से पहले मेरा हक मार लिया है। यानी मनोविज्ञान ये चलता है ऐसे। जी आगे मतलब वो पेशेंट पुरानी बात है, आगे जड़ी गुरु जी ने ऐसा अनुमान लगाया, वो ऐसे अनुमान लगा रहे थे। जी और सर मुझे ये कहना है कि मैं आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या है? सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक का पर्याय क्या बताया? चरक चिकित्सा स्थान पहला में ये बताया है, चिकित्सा स्थान में, कि जो चिकित्सक अपने स्वार्थ और काम्य वस्तुओं की प्राप्ति की परवाह न करते हुए, मतलब उसको कितना फीस मिलेगा ये वो ध्यान नहीं देता है, वो फीस मांगता है ठीक है, लेकिन कोई स्वार्थ वगैरह न करके वह केवल प्राणियों के कल्याण के लिए भावना से चिकित्सा कार्य करता है, वही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा कहलाने योग्य है।
पैसा मिलेगा वो तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है कि हमको पेशेंट को ठीक करना है, ऐसा भाव रखते हैं वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। बिल्कुल सही बात है सर। गुरुजी ने अनुवाद करके लिखवाया था, कई बार जो पागल होते हैं या कुछ जो भी जिनको परेशानियां होती है, वो जो इलाज करने वाला डॉक्टर वैद्य हकीम पर हमला भी कर देता है, जब कुछ उसको मारता है, जब बोलता है, मगर वो इन चीजों से ऊपर उठकर फिर उसका इलाज करता है। सही बताया आपने, डॉक्टर का मतलब है कि जान बचाने हैं, भले वो कोई भी हो, दुश्मन भी हो। बिल्कुल सही बात है, जी पहला कर्म उसका, तभी तो उसको दूसरा भगवान बोलते हैं, जहाँ हमारे पंजाबी बोलते हैं रब है, डॉक्टर रब दा रूप। जी और जो चिकित्सा है उसके बारे में कितना अच्छा बताया योग रत्नाकर में, क्वचिद अर्थ क्वचिद मैत्री क्वचिद धर्म क्वचिद यशः कर्माभ्यास कोशिश चेषाम चिकित्सा नास्ति निष्फला। मतलब जो हम किसी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने भी एक पेशेंट को ठीक कर दिया, आपने पैसा नहीं लिया, उससे क्या होता है कि बिल्कुल कहीं धन मिलता है, कहीं मित्रता बिल्कुल मिलती है, कहीं पुण्य मिलता है, कहीं यश और कीर्ति सर, होती है, कहीं कर्माभ्यास होता है, बिल्कुल प्रैक्टिस होता है, कुछ ना सही कुछ तो बात, मिलता ही है चिकित्सा से, इससे नहीं चिकित्सा मिलता है सर। नहीं जैसे होती। कोई पेशेंट जब जब मान लो आप ऐसे ही राह चलते, मतलब ऐसे किसी ने मेरे को पूछ लिया, उसको अर्श था, तो उसका वो जिनके घर में गुरुजी रहते थे, वो वैसे उनका कारखाना है, तो उनका एक वर्कर था, तो मैं उसको बोला भी इसको बाजार से अर्श कुठार रस ला देगा, तो वो मेरे को, मैं तो भूल भी गया, मेरे को बोला, कहता जी मेरे को बहुत फर्क है। यानी ऐसे जो जिनके पास ज्यादा समर्था नहीं, उनको ठीक करने में बहुत आप संतुष्टि के भाव आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा क्या बताया कि हम चिकित्सक लोगों का कुछ नियम है, हाँ जी हाँ, हमको ऐसा बनना चाहिए कि कोई रोगी है वो अपने माता पिता पुत्र और बंधुओं पे भी विश्वास न करे, चिकित्सा के प्रति इतना विश्वास रखे, इतना रखे कि अपना जीवन सौंप दे कि जो करना है आप करो, तो हमें बिल्कुल पक्षपात रहित होके सत्य निष्ठा से कर्म करना चाहिए, चिकित्सा कर्म करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। जी एक ना सर, आप तो संस्कृत के बड़े मतलब गुड़ी ज्ञानी हो, गुरुजी बोलते थे वैद विद्युत धातु से बना है, जब जो इसका शब्द है ना बेर, जी जी विद्युत जड़ी जैसे बिजली, उसका वो अर्थ करते होते थे जी उसको। और ना आयुर्वेद में जो रसायन औषधियां बताई हैं, वैद्य को खुद भी खाना चाहिए, अपने पेशेंट लोगों को भी बोलना चाहिए खाने को। तो अभी जैसे आंवला का सीजन है, तो आंवला खाने के लिए बोलिए, हरिद की बोलिए, पीपल पीपल का पूजा करके पीपल खाएं, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, बच्चा, गुड़ुची, पुनर्नवा, मुसली, शुंठी, पुष्पी, ज्योतिषमती, रासना, जीवंती, मंडुपर्णी, दालचीनी, और भस्म लेना है, जिसके पास पैसा है वो स्वर्ण भस्म का सेवन करे शरीर के लिए, चांदी का भस्म, अगर लोहा का भस्म आप स्वर्ग भी खा सकते तो गुरुजी बोलते लो पसम, उसका प्रतिनिध है, कहते प्रतिनिध तो प्रतिनिधि होता है जी। जी ये सबका सेवन करें ना तो शरीर स्वस्थ रहता है, और इसीलिए फिर दीर्घायु रहता है, वार्धक्य नहीं होता है, कोई बुढ़ापा का बीमारी नहीं होता है, 100 साल की आयु अच्छे से चलती है। ये तो सर मैं साक्षात, एक तो सुनी सुनाई बात होती है, गुरुजी 105 साल के होकर दुनिया से गए थे, और जी लास्ट तक उनका दिल और दिमाग बिल्कुल फिट था जी पूरा, और जी चेतन और ऐसे ना भी। अपना यजुर्वेद में एक बहुत अच्छी ऋचा है, जो उसके मंत्र है उसको हम ऋचा बोलते हैं, यजुर्वेद में बोला है कि पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम चुण्याम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतमतादिनाम श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात। इसका मतलब है कि हम 100 वर्षों तक देखें, हम मतलब आईज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 100 साल तक हम देखें, 100 साल तक जिए, 100 साल तक सुने, कान इतने अच्छे होने चाहिए कि 100 साल तक सुनाई दे, और 100 साल तक हमारी वाक शक्ति बने रहे, मतलब बोलने की शक्ति बने रहे, 100 वर्षों तक हम स्वावलंबी रहें, अपना काम कर पाए, स्वावलंबी रहें, किसी के आश्रित होकर जीवित न रहें, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें, इसके लिए स्वस्थ और दीर्घायु रहे 100 साल तक। इसके लिए ही चरक संहिता का प्रारंभ दीर्घ जीवित मध्याय से किया है,
नाम ही है दीर्घ जीवित मध्याय। सुश्रुत संहिता में बोला है कि यार बहुत डीप ज्ञान है सर, जितना जितना इसमें मतलब लो कोई इसका ट्रस्ट लेता जाएगा आगे आगे द्वार खुलते ही जाते हैं सर। जी, और सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि आजकल तो लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, 50 साल में बूढ़ापा आने लगता है। सुश्रुत बोलते हैं कि 70 साल के बाद की अवस्था को वृद्धावस्था माना गया है। उनका अभी देखिए, सुब्रतो राय जी 75 में मर गए, अभी अरे वृद्ध थोड़े न थे। तो ऐसे बोल रहे हैं कि अरे 70 वर्ष की उपरांत ही मतलब मुख पे झुर्रियां आना आने लगता है, सिर के बाल पकने लगते हैं, श्वास का सोने लगता है, बुढ़ापा आने लगता अरे है। आजकल तो अरे छोटे बच्चों को भी बाल झड़ने लग रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, बुढ़ापा के सब हो रहे हैं। ये गलत सही है, बात है, सही बात है, क्योंकि सही। इसमें बुढ़ा जो अकालत जरा बोलते हैं, मतलब जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, उसका कारण है कि ऋतु बदल गया है, काल बदल गया है, प्रकृति बदल गया है, शास्त्र विरुद्ध भोजन खाने लगे हैं, लगातार जो परिश्रम करना था वो नहीं हो रहा है, दिन में ज्यादा सोना बढ़ गया है, विषय भोग ज्यादा बढ़ गया है, वो सब जीपी आ गया, जियो आ गया ना, वो देखने की वजह से, पॉर्न वीडियो ये सब देखने की वजह से विषय भोग बढ़ गए, नशीले पदार्थों का उपयोग। अभी अभी मैच चल रहा है ना, बीच बीच में आ रहा है, कमला पसंद, ये खाओ वो खाओ, हाँ गुटखा खाओ, जी, ये सब हाँ जी, खाओ हाँ वो खाओ, उसका जी, हाँ पदार्थों का उपयोग, पचने के पहले ही खाना खाया जा रहा है, रात्रि में बिल्कुल भूखे सही, पेट खाया जा सोया जा रहा है, बहुत ज्यादा जागरण हो रहा है, बहुत ज्यादा हाँ भूखना जी, हो रहा है, चिंता बहुत ज्यादा हो, भय क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, तो इससे बीपी, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, मोटापा, गठिया रोग, श्वास रोग, मानसिक विकार, ये सबसे बुढ़ापा जल्दी आता है ऐसा सत्य बताते हैं। वचन से बिल्कुल सही बात है। चल गुरुजी बोलते थे देखो, दो 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 वाक्यों में बड़ी बहुत बड़ी बात बोल जाते थे। वो बोलते थे जो पैरों पर भार ना देना इनसे बेइंसाफी है, मतलब पे चलना चाहिए। जी पे जो परमेश्वर ने अकेला दिमाग ही लगाया, हर पे अंग की हमको वर्तो करनी चाहिए। जी मतलब ऐसे अभी जो बैठे रहते हैं वे चलना चाहिए। जी और ना इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि वामशायी द्वि भुंजाना, षड मुत्री द्वि पूरी शका, स्वल्प मैथुन कारी च शत वर्षाणी जीवती। जो खाना खाने के बाद बारी 22 करोड़ तक थोड़ा लेट जाता है, खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड थोड़ा लेट जाना है, थोड़ा लेटना है, सोना नहीं है। दिन सत्वजन में 24 घंटे में 2 बार भोजन करता है, दिन में 6 बार मलमूत्र का त्याग करता है, नहीं सॉरी, मूत्र का त्याग 6 बार करना है, मल का त्याग 2 बार करना है, और आवश्यक अगर हो रहे है तो अल्प मात्रा में मैथुन कर रहा है, अल्प मात्रा में। ऐसा करने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि मैथुन ही मत करो, मैथुन वेगों को धारण नहीं करना, मतलब रोकना नहीं है, जो शुक्र का वेग है उसको रोकना नहीं है यहाँ, लेकिन अल्प मात्रा में जो बहुत आवश्यकता है तभी करना है। ऐसा करें तो जितेंद्र रहे तो 100 साल की आयु रहता है, ऐसा बताया बिल्कुल सही बात है सर। जी। ठीक है, हाँ सर सर, सर मेरा मेरे को जो साइनस जो नाक में ना पॉलिप था, पहले आपका तेल भी मैंने मंगवाया था, जी पीछे तो मैं बिल्कुल ठीक रहा जरी। अब मेरे को एलोपैथी वाला एक्सटीरॉइड जो खुराक मैं लेता हूँ, मेरा नाक फैल जाता है जी जरी, मेरे को प्रॉब्लम है। तो सर आप और वो नवसागर और पानी में घोल के उसका नस से लीजिए ना, ड्रॉप नौशादर को जी, हाँ नवसागर का पाउडर मिलता है पंसारी के, जी, उसमें हाँ उसको जी, हाँ पानी जी, में घोल देना है, बहुत हाईली सत कंसेंट्रेटेड होगा वो ना, बजे थोड़ा एक दो ड्रॉप डालना है, तो वो पॉलिप जो है ना वो सूख सत जाते हैं। बचन सर। बाकी इसके साथ कोई दवाई वगैरह भी बता देते तो कोई। उसमें अर्श की चिकित्सा करना है ना, तो आप तो एक हाँ तो सर, पढ़ाने वाली दवाई दीपन जैसे दाढ़ी मष्टक, अजमोदा, लवण भाषा, जी, हाँ हिंगवाष्टक चुन ले लीजिए, पेट साफ जी, होते रहना चाहिए, पेट हाँ साफ जी, होने के लिए एरंड तेल, शुंठी ना ले लीजिए, हाँ और जी, हाँ नाक में पॉलीप है मतलब अर्श है, अर्श कुठार जी, रस, कंकयान बटी, तक्र हाँ के साथ जी, लीजिए, छाछ के साथ। हाँ सत्य वचन। ए मतलब ये नाक की अर्श है, इसको मतलब अर्श की तरह ही ट्रीट कर रहा है सर, अर्श की ठीक तरह है, चिकित्सा करना है सत्य वचन सर। एक तो नौशादर का पानी में घोल बना के वो ड्रॉप डाला करूंगा, वैसे तरविरतम लेह मैं थोड़ा थोड़ा रोज ले लिया करूँ सर, मेरे को हाँ रहता ही हाँ नहीं, ठीक जी। है। बाकी मैं आपको रिपोर्ट करूंगा फिर, ठीक है सर, सर और ओके। नवसागर का थोड़ा ही डालना है ड्रॉप, ज्यादा नहीं डालना।
ठीक है सर, जैसे पता चार हो चल गए। जाएगा। हाँ जी, ठीक हाँ, है। और कोई केस कोई बताना चाहते हैं तो बताइए। सीमा शर्मा मैम, डॉक्टर सुनील जी, गंगवार सर, कोई केस बताना चाहते हैं क्या? प्रीति जी, आपके पास कोई पेशेंट चल रहे हैं जो आपको डिफिकल्टी आ रही है या सक्सेस स्टोरी है? परवीन कश्यप जी, किसी को कुछ बताना है, शेयर करना है? हरिहर सर, हरीश बत्रा जी, सुनील गिल जी, कुछ बोलिए आप लोग। शायद आप लोगों को वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखना है। परवीन कश्यप जी बोलिए आप। प्रणाम सर। हाँ सर, प्रणाम, बताइए। सर मेरा एक पेशेंट था कुछ दिन पहले, उसको ऐसा था कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने उसका टेस्ट भी करवाया था तो उसके SGOT SGPT बड़े हुए थे, प्लस जी उसको सर कब्जी बहुत रहती थी और BP लो रहता है सर उसका। जी तो मतलब अगर लीवर के लिए कुछ हम कसाई वगैरह चलाते थे तो सर उसका BP लो चला जाता था, वो वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, फिर उसमें कब्ज बहुत ज्यादा हो जाती थी सर। इस कंडीशन में सर हम कैसे ट्रीट करें सर पेशेंट? सर, आपको एक तो केस टेकिंग अच्छा से करना पड़ेगा प्रॉपरली। वो जी क्यों हो रहा सर। है सब, वायु का प्रकोप क्यों हो रहा है, हेतु सेवन क्या हो रहा है? आप केवल सिम्टम सर बताएंगे और पूछेंगे तो मैं कैसे बताऊं हेतु सेवन क्या हो रहा है? पहले वो ड्रिंक वगैरह करता था कुछ, मतलब पान वगैरह भी खा देता था, बीड़ी वो तो वगैरह पहले मतलब का, बहुत। अभी का क्या हो रहा है? कितना बजे अभी कितना तो सर बजे उठते हैं, भूख लगने पे खाते हैं क्या, वेग अवरोध करते हैं हाँ, क्या? अभी तो सर मैंने उनका बहुत सारा चेंज कर दिया था। वो चाय वगैरह भी पीते थे, चाय के साथ रोटी खाते थे, वैसे खाने पीने का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था सर। दोपहर को कभी खा कोई लेते थे अभी कभी नहीं। चेंज करने के बाद भी बीपी लो रहा है तो हाँ सर अभी भी BP लो रहा है उसका। उनको एक तो चलने को बोलिए और प्राणायाम करने को बोलिए सर। जी सर, और वो जो मैं नारदीय लक्ष्मी विलास रस बोलता हूँ ना, कि 10 गोली जी लेना है, 1 लीटर पानी में पीस के डाल के 50-50 ml देना है और 200 स्टेप चलना है, उससे ठीक हो जाता है वो बी पी लो बीपी। सर। हाँ ओके सर, ओके सर, ठीक है। और कोई ठीक है। के सुधीर वो आपके सुधीर कुमार का क्या हाल चाल है सर? कुमार सर, कल मेरी बात हुई थी सर, आप बोल रहे थे कि बहुत ठीक हूँ। सर कह रहे थे कि आप बता रहे, मैंने दिया सर आपका नंबर उसको, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा मेरे को अब लग रहा है, मैं अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ। अच्छा, और काम पे जा रहे हैं? हाँ सर, काम पे तो सर वो काम तो घर पे रहते हैं सर अब तो। अच्छा, जी सर। उनका जो शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो रहा था वो कंट्रोल हुआ क्या? हाँ हाँ सर, मतलब पहले वो बात करता तो घबराता था सर बात करते हुए भी। अच्छा हाँ तो डरता बहुत था सर वो किसी भी चीज़ जी, से। अब मतलब मैंने देखा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस था उसकी बातों से। हाँ ठीक है सर, अच्छा है ना। मैंने वो उनको सर, बोला है 4 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा। हाँ सर, हाँ सर, नहीं बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा ट्रीट किया सर आपने। जी, और सर जी आपके साथ सुनील गिल जी भी काम करते हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, बहुत इंटेलिजेंट हैं सुनील जी। जी सर। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ और बोलना है क्या? कोई केस के बारे में डिस्कस करना है? और नहीं करना है तो हम सेशन बंद करते हैं। आप लोग वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लीजिए, इंडिया न्यूजीलैंड का चल रहा है ना, वो लोग देख लीजिए और हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम।